नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। तो लखनऊ से खबर है जहां 22 के लिए चुनावी रथ यात्रा बीजेपी शुरू करेगी। 19 दिसंबर को अंबेडकर नगर से निकलेगी रथ यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे यात्रा को हरी झंडी। 19 दिसंबर को 5 जगहों से निकलेगी बीजेपी की यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिठूर से यात्रा को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के दौरे पर रहे और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए पानी प्रदान करेगी और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। पीएम ने कहा कि सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। यही डबल इंजन की सरकार है, यही डबल इंजन की सरकार के काम की रफ्तार है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की जब जब बात होगी, बलरामपुर रियासत के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख जरूर होगा। बलरामपुर के लोग तो इतने पारखी है कि उन्होंने नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दो दो भारत रत्नों को गढ़ा है, उन्हें संवारा है। आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। गीता में कहा गया है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं, ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ, वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। वे बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण के अवसर पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से उपेक्षित था, आज पीएम मोदी ने विकास का सपना साकार किया है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने विकास की दृष्टि से पिछड़े पूर्वी यूपी को तमाम सौगातें दी हैं। जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनी, लेकिन भाइयों बहनों, पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई, तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था, 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन योजनाओं का रिव्यू करना प्रारंभ कर दिया, समीक्षा प्रारंभ कर दी, देश के अंदर 100 ऐसी परियोजनाओं को लिया
और उत्तर प्रदेश से कहा गया कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है। दुगना करने के लिए आवश्यक है कि सिंचाई की इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर 30 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की रैली पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में भाजपा जनता की रैली नहीं कर पा रही है, ये सरकारी रैलियां हो रही हैं। जिलाधिकारी को भीड़ लाने के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा की जा रही है। बीजेपी यूपी में जनता की नहीं बल्कि सरकारी रैलियां कर रही है, लोग परेशान हैं, वो प्रदेश में योगी नहीं योग्य सरकार चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि गोरखपुर में जहां सबसे पहले जमीन चिन्हित हुई थी एम्स की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पीआईएल हाईकोर्ट में कराई, जिससे कि वो जमीन एम्स को न दी जा सके और आरोप समाजवादियों पे लगे कि वो एम्स नहीं बनने दे रहे हैं। उस समय सबसे महत्वपूर्ण जमीन समाजवादी सरकार में, वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि आज गोरखपुर में एम्स बनकर के तैयार हो गया। और यही नहीं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी और दूसरा 200 बेड बच्चों का जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए आईसीयू का बनाना भी समाजवादी सरकार में काम हुआ। कोविड के समय पर जितनी अस्पतालों में लोगों की मदद हुई वो समाजवादी सरकार में बनी। वहीं गुरुवार को किसान आंदोलन स्थगित होने की घोषणा के बाद आज से किसान अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। कृषि कानून की वापसी पर किसानों ने विजय दिवस भी मनाया। वहीं बिजनौर के लिए किसानों का पहला जत्था किसान नेता राकेश टिकैत ने रवाना किया। धीरे धीरे सभी जत्थे रवाना हो रहे हैं। आखिरी जत्था 15 दिसंबर को मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होगा, जिसमें राकेश टिकैत भी रहेंगे। ये पल किसानों के लिए बेहद भावुक कर देने वाला है। आखिरकार 378 दिन के बाद किसान आंदोलन खत्म हुआ और किसान अपने अपने घर रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं, जहां किसानों के पहले जत्थे को किसान नेता राकेश टिकैत ने बिजनौर के लिए रवाना किया। ये ट्रैक्टर पिछले साल 27 नवंबर से ही किसान लेकर आए थे। अब धीरे धीरे सारे जत्थे अपने अपने इलाके के लिए जाना शुरू करेंगे। आखिरी जत्था 15 दिसंबर को मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होगा। देखिए, 11 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा था कि हम जाना शुरू करेंगे, वो इसलिए कि जो 14 जवान और हमारे CDS विपिन रावत जी शहीद हुए, उसकी वजह से हमने ये समय घटाया था। आज 11 तारीख है, आज से ही जत्थे जाने शुरू हो गए हैं। बिजनौर का जत्था जा चुका है, अभी शामली और तराई क्षेत्र के जत्थे अभी जाएंगे दोपहर तक, और ऊपर का एक रोड आज खाली कर देंगे। तो ऐसे ही 2-3 दिन में लास्ट जो जत्था है वो 15 तारीख को जाएगा, जो मुजफ्फरनगर का जत्था है, टिकैत साहब का जत्था है, उसके बाद उसी के साथ हम जो लोग हैं सब जाएंगे। थोड़ा हाँ, जो यहाँ इस आंदोलन में एक गांव बसा, भाईचारा जो बना, उसका बिछड़ने का गम था और खुशी भी थी जाने की, लेकिन जाते वक्त आंखों में आंसू आ गए। दरअसल किसानों को घर जाने की खुशी तो है, वहीं पिछले एक साल से यहाँ रहते रहते और इलाकों से आए किसानों के साथ एक परिवार सा रिश्ता बन गया था। खाना पीना रहना सब एक साथ था, सबकी आंखों में नमी है, एक दूसरे से बिछड़ने की वजह से अब सब भावुक हैं। खाना पीना रहना सब साथ में था, तो उसकी वजह से थोड़े आंखों में आंसू आ गए, थोड़ा सा गम। बहरहाल एक साल से किसान बॉर्डर पर ढेरा डाले हुए थे, लेकिन गुरुपर्व पर पीएम मोदी की 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद और फिर अन्य कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद गुरुवार को किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला। वहीं रायबरेली में सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू गुटखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने फिर तंबाकू गुटखा बेचा तो दुकानों का चालान कर दिया जाएगा।
दरअसल प्रशासन तंबाकू मुक्त कार्यक्रम के तहत अभियान चला रहा है। तंबाकू से कैंसर होता है, रेहड़ी पटरी दुकानों पर ये बैनर लगा रहा है रायबरेली प्रशासन। सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में रायबरेली जिला अस्पताल के चौराहे पर तंबाकू गुटखा बेचे जा रहे रेहड़ी पटरी दुकानों पर छापेमारी की गई, कई दुकानों के चालान भी किए गए। वहीं लोगों को जानकारी दी गई कि सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू के सेवन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, अगर इसका पालन नहीं किया गया तो फिर सभी दुकानों का चालान कर दिया जाएगा। दरअसल प्रशासन तंबाकू मुक्त कार्यक्रम के तहत छापेमार कार्रवाई कर रहा है। बहरहाल कार्रवाई बेहद अच्छी है, लेकिन ये तब और अच्छी होगी जब ये लगातार होती रहे। दरअसल एक बार कार्रवाई होती है और फिर प्रशासन ये नियंत्रण जारी नहीं रख पाता और फिर धरले से तंबाकू गुटके बिकने शुरू हो जाते हैं। जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर तंबाकू पुड़िया पान सिगरेट की दुकानें नजर आती हैं। हर तरफ इन अवैध अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, जरूरत है इस पर लगातार कार्रवाई करने की, तभी लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। दरअसल इसके पहले भी प्रशासन ने तंबाकू मुक्त अभियान चलाकर अस्पताल स्कूल के बाहर तंबाकू गुटके की दुकान पर छापा मारा था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर ये दुकानें फलने फूलने लगी। देखना होगा क्या यह अभियान रंग लाएगा, महज 200 रुपए की रसीद काटकर ही प्रशासन अपनी पीठ थपथपाता रहेगा। न्यूज वन इंडिया के लिए रायबरेली से असद खान की रिपोर्ट। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज वन इंडिया के साथ।